वाह भाई, बड़ा दर्द हो रहा है हादी परिवार के लिए। आप ये कहते हैं कि गफूर साहब को सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इतना ही दर्द है आदि परिवार का, तो क्यों उनके पुत्र वधु का आप मजाक उड़ा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्हें संबोधन में मानवीय भूल हो गई। सिर्फ उन्होंने भाई उम्मेदाराम जी को उम्मेदाराम बेनीवाल न कह के उम्मेदाराम मेघवाल संबोधित कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सामंतवादी विचारधारा जो है, ये यही तो इनमें और हमें फर्क है। यही तो फर्क है कि ये आज भी मुझे लगता है कि हमें ये जानने की जरूरत है। मैं आप सभी भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक मुस्लिम समाज की बेटी ने भाई उम्मेदवार बेनीवाल को उम्मेदवार मेघवाल करके कोई गाली दे दी है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सामंतवादी विचारधारा ही है जो इन चीजों में फर्क महसूस करती है कि कोई मुस्लिम बेटी या बहन अगर मंच पर आकर के अपनी बात करती है और उसके थोड़ी सी उसमें भूल हो जाती है, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं? यही आपके संस्कार है? यही आपकी परंपराएं हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो जिला है, ये बहुत संस्कारवान जिला है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज को कितनी तकलीफ पहुंची होगी जब आपने इस मुस्लिम समाज की बेटी का अपमान किया। आपको कोई हक नहीं है किसी के बारे में इतना मजाक उड़ाने का। हल्की सी मानवीय भूल हर इंसान से हो सकती है, कोई फरिश्ते तो नहीं हम। अगर सिर्फ नाम के संबोधन को आपको इतना तकलीफ होती है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ना जाट भाइयों को तकलीफ हुई, ना हमारे मुसलमान भाइयों को तकलीफ हुई, और ना ही हमारे मेघवाल भाइयों को तकलीफ हुई। तकलीफ हुई तो सिर्फ इस सामंतवादी सोच और इस विचारधारा के लोगों को हुई। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उस इलाके से आती हूँ जहाँ यही हमारे मेघवाल भाई, यही जाट भाई हमेशा भाईचारे के साथ रहते आए हैं। मेरे मुस्लिम समुदाय को बड़ी तकलीफ हुई और उनके फोन आए मेरे पास कि दीदी हम जवाब देंगे। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। मैं आज मंच के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि आपने मुस्लिम समाज की उस बेटी का अपमान किया है जिसने आईएएस एकेडमी, देश की जो मंसूरी की आईएएस एकेडमी है, वहां पर 172 आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर के यहां का प्रतिनिधित्व किया था। मैं कहना चाहती हूं कि आपने उस बेटी का अपमान किया है जिसको देश की प्रतिष्ठित मैगजीन इंडिया टुडे ने डॉटर ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया है। मैंने कभी नहीं दिया किसी चीज का जवाब, लेकिन मुझे लगता है कि आज जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज भी हम जवाब नहीं देंगे तो शायद इस देश की जो ये भाईचारा है, इसको हम खो देंगे। मैं कहना चाहूंगी भाइयों, मेरा स्पीच जरूर लंबा हो रहा है, लेकिन आज वक्त की जरूरत है कि हम अपनी आवाज को उठाएं। मेरी आदत नहीं रही, मैं 25 साल के अपने राजनीतिक जो करियर है उसमें मैंने कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। आप सभी को पता होगा 25 साल के राजनीतिक करियर में शमा बानो ने कभी अपने स्पीच में कोई भूल नहीं की। शायद ये लोग इसी तलाश में बैठे हुए थे कि कोई भूल हो और हम मजे लें उसके। मुझे समझ नहीं आता, अरे भाइयों मजाक उड़ानी है तो कोई मुद्दे की बात की तो मजाक उड़ाइए। शर्म आती है कि इतनी छोटी सी चीज पर आप मजाक बना रहे हैं। मेघवाल भाई और जाट भाई और यही 36 कौम के भाई का सम्मान मैं जिंदगी भर करती रहूंगी। आपके कहने और न कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।